संत कबीर नगर से कांग्रेस के उम्मीदवार भालचंद यादव ने अभी प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की है और उनसे बात करते हैं। भालचंद जी, क्या बात हुई आज जो मीटिंग प्रियंका जी और सोनिया जी के साथ आपकी रही? अब देखिए, संगठन मजबूत करना है और यही निर्देश हुआ है। संगठन मजबूत करके 22 की तैयारी करना है। और फरेबी लोग, झूठे लोग इस देश पर राज कर लिए और जो गठबंधन था, ये जो फर्जी गठबंधन था, इसके हवा में कांग्रेस के वोट कुछ डिस्टर्ब हो गए। अब आने वाले दिन में 22 में पूरी दमखम से कांग्रेस लड़ेगी और सरकार बनाएगी। प्रियंका जी ने क्या कहा? प्रियंका जी ने लगा है संगठन को मजबूत करना है, पूरी ताकत से लगेंगी वो, पूरे उत्तर प्रदेश को संभालेंगी वो। और गठबंधन को लेकर क्या बात हुई? गठबंधन कुछ नहीं रहेगा। प्रियंका जी ने कहा गठबंधन को लेकर कुछ नहीं, गठबंधन कुछ होना ही नहीं है। नहीं, प्रियंका जी ने गठबंधन को लेकर आपसे कुछ कहा? उन्होंने अब कहा कि गठबंधन किसी से नहीं होगा। गठबंधन से क्या बोली प्रियंका जी? गठबंधन सपा बसपा से नहीं होना, कभी कभी नहीं होना। मतलब उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस सपा बसपा से गठबंधन नहीं करेगी? नहीं करेगी, ये प्रियंका जी ने कहा। बिल्कुल। तो ये संत कबीर नगर से कांग्रेस के उम्मीदवार भालचंद यादव हैं, जिनका ये कहना है कि प्रियंका गांधी से जब मुलाकात हुई तो उस दौरान ये स्पष्ट किया गया कि 2022 को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से संगठन को मजबूत करेगी और सबसे अहम बात यही रही कि आने वाले दिनों में अब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और या बहुजन समाज पार्टी से कोई भी गठबंधन नहीं करने जा रही है। कैमरा पर्सन संजीव गोसाई और अनुभव के साथ अशोक तिवारी, रायबरेली, News24। बस्ती से कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकिशोर जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजकिशोर जी, अभी प्रियंका जी और सोनिया जी से आपकी मुलाकात हुई, क्या चर्चा हुई, हार के कारणों को लेकर क्या समीक्षा हुई? देखिए, हर पार्टी समीक्षा करती है, तो कांग्रेस तो बहुत बड़ी पार्टी है, तो यहाँ पे चाहे हर बिंदुओं पे चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद निष्कर्ष यही होता है कि हमारा संगठन मजबूत होना चाहिए। तो अब हम लोग संगठन पे काम करेंगे आने वाले समय पे, और इतना मजबूत संगठन बनाया जाएगा कि जो ये झूठी सरकार है, जो झूठ फरेब के बल पे आई है, उस झूठ फरेब का कैसे हम जवाब दें और जिले स्तर पे कैसे हमारी इतनी मजबूती हो कि इनके सारे झूठ फरेब को हम 2 मिनट के अंदर पूरे जिले में मैसेज के रूप में फैला दें कि ये गलत मैसेज है। तो इसी पे चर्चा हुई है। और आप जानते हैं प्रियंका जी के निर्देश पे और उनके नेतृत्व में ये काम होगा, तो बहुत बड़े पैमाने पे काम होगा और कांग्रेस पार्टी फिर अपने पुराने अस्तित्व में आएगी। अच्छा, 2022 के चुनाव में कांग्रेस अकेले लड़ेगी या गठबंधन पर जाएगी? अभी भालचंद यादव जी बाहर आए, उन्होंने कहा कि प्रियंका जी ने कहा है कि 2022 में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, सपा या बसपा से गठबंधन नहीं होगा, ये प्रियंका जी ने कहा है। आपकी भी कोई बातचीत हुई 2022 को लेकर? देखिए, जहां कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस किसी से गठबंधन नहीं करना चाहती है कभी। कांग्रेस खुद एक बहुत बड़ा दल है और कांग्रेस के नाम पे ही देश आजाद हुआ और कांग्रेस 60 साल तक लगातार सरकार में रही है और काम के आधार पे कांग्रेस ने बहुत काम किया है। और आने केवल एक हवा खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और गठबंधन को पैदा किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने छोटे छोटे दलों को पैदा किया। अब कांग्रेस किसी के साथ समझौते की तो बात ही छोड़ दीजिए। कांग्रेस के पास इतने वर्कर हैं, कांग्रेस के पास इतने नेता हैं कि स्वयं कांग्रेस 2022 में सरकार बनाएगी। अच्छा, आप तो पुराने नेता हैं, मैं आपको पहले से जानता हूं। ये 2022 के चुनाव में क्या कांग्रेस गठबंधन वाकई नहीं करेगी? चूंकि अभी प्रियंका जी ने गठबंधन को लेकर कोई बात कही कि गठबंधन का नुकसान हो गया लोकसभा चुनाव में, अगर हम उनके साथ रहते तो फायदा होता या वो हमारे साथ रहते तो उसका लाभ मिलता। देखिए, कांग्रेस किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, ये तय है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और कांग्रेस स्वयं जब लड़ती है तो कांग्रेस मजबूत स्थिति में रहती है, लेकिन कांग्रेस जब गठबंधन करती है तो कांग्रेस कमजोर स्थिति में होती है। ये प्रियंका जी ने कहा? प्रियंका जी ने कहा, नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं चुनाव लड़ा हूँ, मैं 3-3 बार का मिनिस्टर रहा हूँ, तो हमें पता है। और कांग्रेस अपने दम पे लड़ेगी चुनाव। आने वाले समय में केवल भारतीय जनता पार्टी का विकल्प आज के डेट में पूरे देश में कांग्रेस है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये पूर्व कैबिनेट मंत्री और बस्ती से कांग्रेस के उम्मीदवार राजकिशोर सिंह है, जिनका ये कहना है कि प्रियंका गांधी के साथ मीटिंग में अभी तय हुआ है कि 2022 के चुनाव से पहले कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को चुस्त और दुरुस्त करेगी। और जहां तक गठबंधन का सवाल है तो अभी शुरुआती दौर में ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस किसी भी चुनाव में किसी भी जो पार्टी है उसके साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं करेगी, यानी कांग्रेस आने वाला चुनाव अपने दम पर लड़ने की तैयारी कर रही है। कैमरा पर्सन संजीव गोसाई और अनुभव के साथ अशोक तिवारी, रायबरेली, News24।